गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। या हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप क्या होता है, उसका टॉर्क के साथ किस प्रकार का रिलेशन है। तो शुरू में हम थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में, सबको पता है इसलिए मैं मैग्नेट से शुरुआत कर रहा हूं। ये एक मैग्नेटिक बार है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो नॉर्थ की तरफ फ्रीली सस्पेंडेड के बाद डायरेक्टेड होता है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, जो साउथ की तरफ होता है उसको साउथ पोल कहा जाता है। ये अर्थ के पिंड के कारण ऐसा होता है। दोनों की जो अट्रैक्टिविटी होती है वो सेम होती है, इसको पोलर स्ट्रेंथ कहा जाता है। व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। सेंटर से लेके इस पोल का डिस्टेंस और इस पोल का डिस्टेंस या कुल मिलाकर दो पोल्स के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है इट इज द पोलर स्ट्रेंथ, जिसको मैग्नेटिक चार्ज भी कहा जाता है। नॉर्थ के लिए वो प्लस एम लिया जाता है, साउथ के लिए माइनस एम। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है पोलर स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज इन मैग्नेटिक इनटू द मैग्नेटिक लेयर, उसको डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है। जो अट्रैक्टिविटी है वो केवल एंड्स पे होती है, बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन जब इसको अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करके कट करके, तो जहां बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं था अब वहां भी अट्रैक्शन आ जाता है दो अलग अलग पीसेस होने के बाद। और इन्हें भी अगर सस्पेंड करते फ्रीली तो भी नॉर्थ और डायरेक्शन में स्थिर होते। हर बार जितने छोटे पीसेस हम करते जाएंगे तो नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट होते जाते हैं अपने आप, जो फिक्सस होते हैं एक्चुअली। अब ये जो भी पोल्स है एक बार ध्यान में आ रही है, उनको एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, वो हमेशा एक पेयर ही अपीयर हो रहे हैं। चाहे कितने भी छोटे पीसेस करते जाओ सिंगल मैग्नेट के, ऑलवेज अ सिंगल पीस अपीयर्स एज ए नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट। अब ये दो पोल्स एक दूसरे से सेपरेट ना होने के कारण उसको डाइपोल कहा जाता है, हैविंग टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से या सर्टन अलॉयज से बनाया जाता है। अब समझो हमारे पास ये करंट कैरियर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, और इसमें से समझ के चलो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बता रहा हूं क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ऐसे करंट कैरियर लूप को जब फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो इसमें देखा गया कि इसका एक सरफेस लेकिन इसमें भी दो प्रकार की पोलैरिटी अपीयर होती है, एक सरफेस उसका नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए अपीयर होता है और क्लॉकवाइज जिस सरफेस के लिए करंट अपीयर होता है वो साउथ अपीयर होता है। देयरफॉर वी कैन से करंट लूप इज आल्सो एक्ट एज द मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप एक्ट एज द मैग्नेटिक डायपोल। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स में जाते हैं। फिलहाल यहाँ ये जो डायपोल है एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए नॉर्थ पोल अपीयर होता है, और क्लॉकवाइज अगर करंट है जिस सरफेस के लिए वो साउथ पोल अपीयर होता है, मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल जैसा अपीयर होता है। और अगर इसके डायपोल मोमेंट को मेजर करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ही ज्यादा ये डायपोल मोमेंट अपीयर होता है इसका। सेकेंडली जितना एरिया में लूप बड़ा रहेगा उतना ही उसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा रहता है। टेक्स्ट बुक में कैपिटल एम की जगह म्यू ये सिंबल उपयोग में लाया है डायपोल मोमेंट के लिए, तो वो सिंबल भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं कैपिटल एम से यहां बता दूं, तो दोनों को अगर कंबाइन किया गया तो हमें यहां एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, इस प्रकार का फार्मूला मिलता है। या प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते तो कुछ कांस्टेंट आएगा के आई ए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अज्यूम टू बी यूनिटी एंड देयरफॉर एम इक्वल टू आई ए फॉर सिंगल टर्म सिंगल लूप। इफ देयर आर एन टर्म्स देन इट इज एन आर ए,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यहां एक यूनिट वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं जो कि परपेंडिकुलर टू द कॉइल है, तो m बार इक्वल टू, इस प्रकार से अपने को फार्मूला मिलेगा, या म्यू बार इक्वल टू, तो यह है डायपोल मोमेंट यूनिट में अगर चलते तो करंट यानी एम्पियर और एरिया यानी मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इस प्रकार का उसका यूनिट मिलता है। तो ये जो भी नेगेटिव में ले रहा हूं मैं डायपोल मोमेंट पर करंट लूप इज एन आई ए, हमने टॉर्क का फार्मूला लिया हुआ है लूप के ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क जो भी है टॉर्क इक्वल टू एन आई ए इनटू पी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, या जनरल इसमें चलते हैं मैक्सिमम टॉर्क की कदर इनटू साइन थीटा इस प्रकार का था, एंड देयरफॉर नाउ टॉर्क इक्वल टू यहां एन बिकॉज एन आई ए इज डायपोल मोमेंट बी साइन थीटा या टेक्स्ट बुक के अनुसार इट इज म्यू बी साइन थीटा। एक्चुअली इसे देखा गया तो यहां म्यू वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड देयरफॉर वी कैन से टॉर्क इक्वल टू आइदर एन क्रॉस बी में आप ध्यान में रखो उसको या म्यू क्रॉस बी में, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर फार्मूला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहां कैपिटल है या म्यू क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये रिलेशन है दोनों के बीच का। तो ध्यान में यह रखना है कि जो करंट लूप होता है करंट कैरी कंडक्टर जो भी होता है दैट अपीयर्स एज द डायपोल, और उसका जो डायपोल मोमेंट है म्यू बोलो या कैपिटल एम से बताओ, इट इज गिवन बाय एन आई ए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी करंट कैरिंग लूप के लिए, जैसे सर्कुलर लूप लिया गया इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन of the coil, it is related with the torque because the torque is given by n I a b sin theta, general formula n I a, it is either mu symbol or b, so ye relation hai dono ke beech ka, ye vector form mein leke jaate hai, it is mu cross b, ya kuch book mein isko capital n se bata jata hai n cross b, to ye dhyan mein rakhna hai और जो डायपोल मोमेंट होता है करंट लूप का उनके बीच का रिलेशन। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।